सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, मेरे भाई आगे भी अच्छे रहना। तो स्वागत है हमारे कॉर्नी फ्रेश वीडियो में। तो गाइज, हमारे पास क्रिमिनल बंडल निकालने के लिए है अभी 1800 डायमंड, यानी 1900 डायमंड देख सकते हो, 1850 डायमंड है। क्या इतने डायमंड में क्रिमिनल बंडल निकाल पाऊंगा? ये मेरी दोस्त की आइडिया, उसने बोला है कि सोल्जर भाई आपको जो है ना क्रिमिनल बंडल निकाल देना है। मैंने अपना क्रिमिनल 3 टोकन वो भी 600 यानी 700 डायमंड के अंदर निकाल दिया है। तो इस भाई के अकाउंट में स्पिन मारेंगे और देखेंगे टोटल कितना डायमंड में निकल जाएगा क्रिमिनल बंडल। अभी इसके पास 1850 डायमंड है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी क्रिमिनल निकल जाए बिल्कुल फ्री में, अगर आपके पास डायमंड नहीं है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस वीडियो को कम से कम अपने 5 से 10 दोस्तों के पास शेयर कर देना एंड कमेंट में UID दे देना। और देख सकते हो हमारा क्रिमिनल बंडल बहुत ही ओपी जबरदस्त लुक के साथ देखने में मिल रहा है। और यहाँ पर टोकन देख सकते हो, ये आपको चाहिए टॉप क्रिमिनल टोकन, ठीक है? तो ये हम लोग देख सकते हो 1850 डायमंड है। स्पिन मारेंगे भाई के अकाउंट में और निकालेंगे, देखते हैं कि टोटल कितना डायमंड लगेगा। और जो हमारा ट्रिक होता है वो ट्रिक यूज करेंगे, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी वो ट्रिक यूज किया, और अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना, उसमें मैंने 700 डायमंड के अंदर वो ट्रिक यूज करके निकाल दिया 3 टोकन। तो इसमें भी वही ट्रिक यूज करेंगे, क्लू कैरेक्टर। सबसे पहले बात याद रखना, क्लू करेक्टर लेना है, ठीक है? क्लू करेक्टर लेके और स्पिन मारना है। तो क्लू करेक्टर ले लेना है और उसके बाद यूज करना है। और जो भी जैसे इस ये देखो, ये ट्रिक कुछ नहीं है। पहले सबसे पहली बात क्लू करेक्टर ले लेना और जो भी गन अपना जो लॉबी में लेके जाते हो उसको लॉबी से रिमूव कर देना। पेट जो होता है अपना उसको भी रिमूव कर देना, जैसे मैं कर रहा हूँ, पेट को भी रिसेट कर लेना है, ठीक है? ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा ओपी है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज़्यादा काम कर रही है। तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो, बहुत ही मस्त है। तो इसी ट्रिक से हम लोग जो है स्पिन मारने वाले हैं। तो चलो यहाँ पर हम लोग जो है स्पिन मारेंगे पहले 40 डायमंड का और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, ठीक है? तो 40 डायमंड का स्पिन भाई साहब कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं। फिर मारेंगे 180 डायमंड का और गाइज फाइनली देख सकते हो, मतलब पहले स्पिन में यानी सेकेंड स्पिन में मैंने 1 टोकन निकाल दिया भाई का, बहुत ही ज़बरदस्त। ये ट्रिक मैं बोल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। और फिर मारेंगे 40 डायमंड का स्पिन, ठीक है? ऐसे ही करना है, पहले 40 फिर 180 फिर 180 का। तो अब फिर से 180 का मारेंगे, देखते हैं इस बार क्या होता है। भाई साहब देख सकते हो फिर से मैंने निकाल दिया। तो ये बताना ये ट्रिक कैसी लगी, अगर ट्रिक अच्छी लगी तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो अभी। देख रहे हो ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा काम कर रही है। अभी मैंने सिर्फ कितने 400 डायमंड के अंदर 2 टोकन निकाल दिया और भाई के पास अभी भी डायमंड बहुत सारे बचे हैं। तो यहाँ पर फिर से स्पिन मारेंगे और देखते हैं क्या भाई साहब, ये सब मत दे, हमें चाहिए क्या, समझ रहे हो क्या, टोकन चाहिए। फिर से यहाँ पर मारेंगे स्पिन और फाइनली गाइस थर्ड यानी कि तीसरा टोकन निकाल दिया मैंने, वो भी कितने डायमंड के अंदर, आप देख सकते हो इनके पास कितने डायमंड थे और मैंने अभी निकाल दी, यानी कि 400 डायमंड के अंदर मैंने इनके 3 टोकन निकाल दिए। तो सोचो ये बंदा कितना खुश होगा, इसके मैंने मतलब मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 600 डायमंड यूज किया है मैंने और इसके 3 टोकन निकाल दिए। अगर आप भी निकालना चाहते हो क्रिमिनल बंडल टॉप वाला न्यून क्रिमिनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अभी तक सुबह वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जाकर देख लो, मैंने उसमें गिवअवे रखा है कैसे क्या करना है, पार्टिसिपेट कैसे करना है मैंने बता रखा है, तो उसमें जाकर देख लो वीडियो को, ठीक है? और यहाँ पर गाइस फिर से हम लोग स्पिन मारेंगे और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है? तो ये ट्रिक तो थोड़ी नहीं निकल रही है, डायमंड ज़्यादा खा रहे, करना क्या आता है। फिर यहाँ पर चलो क्लियर कैच वगैरह कर लेते हैं, शायद ये ट्रिक काम करे। क्लियर कैच करके फिर से दूसरा कोई कैरेक्टर लेंगे, ठीक है? दूसरा कैरेक्टर लेके और फिर स्पिन मारेंगे। तो यहाँ पर आडम चाचा की बहन जो है उसको लेना चाहते थे, मगर इस बार आडम को लेते हैं और चलते हैं इससे लक ट्राई करते हैं, ठीक है? क्या होता है, देखिए जिस आईडी में ज़्यादा डायमंड होते हैं तो वहाँ डायमंड ज़्यादा जाने के चांस रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर स्पिन मारेंगे, भाई का नहीं निकला तो बहुत गाली देगा यार, यहाँ पर नहीं निकला भाई, देख सकते हो बस बहुत कम डायमंड बचे हैं यार, 600 डायमंड बचे हैं। क्या मैं निकाल पाऊंगा कम से कम 1 टोकन इनके लिए, देखते हैं क्या होता है। भगवान निकाल दो यार, क्या ही गरीना, मतलब देख सकते हो टट्टी वाले आइटम दे रहे हैं। देखते हैं कि इनकी आईडी में कितने डायमंड उड़ जाते हैं, कितने डायमंड गरीना लूट लेगी, आज तो गरीना पैसा पैसा हो जाएगी। यहाँ पर फिर से स्पिन मारेंगे, तो चलो मारते हैं स्पिन और देखते हैं इस बार हमें क्या मिलने, मतलब कुछ खास तो दे दे भाई। भाई साहब वेपन रॉयल वाउचर वगैरह नहीं चाहिए, हमें चाहिए टोकन। तो यहाँ पर गाइज अगर आपको टोटल डायमंड लगाना हो तो आपके पास कम से कम 3000 डायमंड होने चाहिए क्रिमिनल बंडल निकालने के लिए। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, 3 टोकन तो फटाफट निकल रहे हैं, मुझे मालूम है 600-700 टोकन में वो अट्रैक्टिव करने के लिए बंदे अट्रैक्टिव हो जाएंगे कि 3 टोकन निकल गया है और 2 टोकन 1 टोकन निकल रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लूट जाएंगे। बट नहीं निकलने वाला भाई, देख सकते हो इसके अकाउंट के पूरे डायमंड मैंने उड़ा दिए। और सबसे पहले देख सकते हो आपको ये बाइक की स्किन मिल जाएगी लेजेंडरी वाली, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मस्त लगी मुझे। आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसी लगी।
उसके बाद ये ग्लूवल का स्किन देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल ही टट्टी ग्लूवल का स्किन है, मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा ये ग्लूवल की स्किन, आप बताना कैसा लगा। और ये इमोट लास्ट में आप रिडीम कर सकते हो, अपना रिसीव कर सकते हो, बहुत ही मस्त है, फ्री मनी लुटा रहा है, देख रहे हो ऐसे लूट रहे हैं गरीना वाले, सबको लुटा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये क्रिमिनल हम निकाल लेंगे। भाई के अकाउंट में तो नहीं मिला, फिर से देखते हैं, अभी 200 डायमंड है तो लास्ट स्पिन मारेंगे, देखते हैं शायद निकल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो लास्ट स्पिन है हमारा, और इनके अकाउंट में जो है ना भाई साहब देख सकते हो क्रिमिनल मैं नहीं निकाल पाया, कोई बात नहीं, इनमें टॉपअप मार के वगैरह करके निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें क्रिमिनल बंडल देखने को नहीं मिला, कोई बात नहीं, फिर से यहाँ पर जितने भी आइटम्स हैं उनको सेलेक्ट करके मारते हैं, शायद निकल जाए। भाई साहब थोड़ा सा के लिए बच गया, कोई बात नहीं, देख सकते हो गाइस आपके सामने 2000 डायमंड मैंने लुटा दिया, बट हमारा जो है क्रिमिनल बंडल जो है नहीं निकला, देख सकते हो। तो आपको ऐसे ही बच बचा के मारना होगा स्पिन, क्योंकि आपके 2000 से 2500 डायमंड जो है ना कन्फर्म लग जाने वाले हैं। अभी इनका वीकली चल रहा था तो वीकली वगैरह ले लिया हूँ, देखता हूँ इससे शायद निकलने का चांस रहे, क्या बोलते हो, स्पिन मारूँ या छोड़ दूँ। चलो मारते हैं स्पिन, देखते हैं ये क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा, नहीं तो टॉपअप वगैरह मार के निकालेंगे। यहाँ पर देख सकते हो फिर से 40-40 का मारते हैं, एक टोकन निकल जाएगा ना तो अपना क्रिमिनल बंडल तो निकल जाएगा टॉप वाला, न्यून का देखा जाएगा, न्यून का बाद में। यहाँ पर फिर से स्पिन मारते हैं, भाई साहब नहीं देने वाले, इसमें आपका जो चौथा टोकन ना बहुत ही ज़्यादा डायमंड लूटने वाला है, देख सकते हो 600 डायमंड में मेरा 3 टोकन निकल गया था, बट एक टोकन के लिए मैंने 1200 डायमंड, अभी तक 1200 क्या 1300 डायमंड इस लड़के का मतलब इस भाई का मैंने वेस्ट कर दिया, बट अभी देख सकते हो नहीं निकला टोकन, देख सकते हो कैसे। तो आपको 4 और 5 टोकन के लिए बहुत ही ज़्यादा डायमंड जो है ना बर्बाद करने पड़ेंगे, देख सकते हो टोकन तो निकल ही नहीं रहा, और भाई का मैंने डायमंड पूरा का पूरा 2000 उड़ा दिया। आप बताना कमेंट बॉक्स में भाई को कैसा लग रहा होगा, बताना गाइज, और आपका कम से कम कितने डायमंड में टोकन निकल चुका है, क्या ये ट्रिक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और देख सकते हो गाइज बहुत ही ज़्यादा डायमंड लूट चुके हैं, 2000 डायमंड लूट चुके हैं, बट अगर आप भी निकालना चाहते हो क्रिमिनल बंडल तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और इस वीडियो को कम से कम 5 दोस्तों को शेयर करो, ताकि लोग 3 निकाल के टोकन और चौथे के लिए ना ज़्यादा डायमंड वेस्ट करने के चक्कर में ना पड़े। और जो जो आइटम्स मिले हैं चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ खास नहीं है, व्हीकल्स की स्किन और जो कुछ खास नहीं है मैं दिखा दूंगा, ग्लूवल की स्किन एकदम टट्टी है, मुझे तो कुछ खास नहीं लगा, देख सकते हो बहुत ही बेकार वाला है, मुझे अच्छा नहीं लगा। और चलो मैं बाइक का स्किन दिखा देता हूँ, बाइक भी उतनी खास नहीं है, नहीं बाइक की स्किन तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि पीछे से एनिमेशन आ रहा है तो वो मस्त लग रहा है। चलो दिखा दो, देखो बाइक की स्किन टॉप स्पीड है और इसकी ड्यूरेबिलिटी फास्ट है, तो 1+ है तो डैमेज वगैरह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मगर मस्त स्किन है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसको निकालने में लास्ट टोकन निकालने में कितने डायमंड लग जाएंगे, और इस भाई के तो मैं निकाल के रहूँगा, भले मुझे 4000 डायमंड का टॉपअप क्यों ना मारना पड़े। और कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने डायमंड लग जाएंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय भाई लोग।